Hello guys, you are watching Bro Reactions. My name is Kazim. My name is Honestly. मैं हूँ मुकम्मल खूबसूरत और रिएक्शन वो जो दिल से निकले दियो मुकम्मल खूबसूरत आपने और भी बहुत खुश हुआ तो आज इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं ये लिखा हुआ है हिंदुस्तानी वीडियो स्ट्रीट डांसर थ्री उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि भाई हैप्पी रिपब्लिक डे इंडिया बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रोस रिएक्शंस की टीम की तरफ से और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी हॉन की तरफ से भी मुख्यमंत्री की तरफ कामनाएं तो ले ली अब मेरी तरफ से थोड़ी सी मुबारकबाद भी ले लें और बहुत मुबारक हो और उसी से रिलेटेड एक सॉन्ग रिलीज हुआ है मतलब उसी से रिलेटेड क्या 25-26 जनवरी का तो उससे हमने जो अंदाजा थंबनेल से लगाया कि वरुण धवन खड़े हैं हाथ में झंडा वंडा लेके थंबनेल तो हमने उससे अंदाजा लगाया कि ये उसी से रिलेटेड होगा अच्छा आगे शंकर महादेवन भी लिखा हुआ है यानी सॉन्ग जो है वो शंकर महादेवन ने गाया हुआ है कंपोजिशन क्योंकि हम एकदम म्यूजिक हुआ ये शंकर महादेवन बोल तो नहीं तो वो बड़ा एक कोई तो मिला की कतार हमारे गाना है वाह प्रेस लेस यू ने तो आइए चल के देखते हैं पहले वीडियो और फिर करते हैं बातें प्ले टीम है वी एंड टीम ये गाने उनके डालो जोर लगा लो नाइस यार हिंदुस्तानी यार जबरदस्त ये सॉन्ग है ना हम पे डालो चाहे कितना जोर लगा लो ओ, पीछे नहीं देखा तुमने ओए ओए तुम भी कहो नाइस यार ये सॉन्ग है ओए ओए यार मेरा फेवरेट सॉन्ग है बहुत अच्छा लगता है मुझे वाह वाह ओए ओए दुनिया वालों फ्री ना करना हम पे डालो यार वन डेग में किया है वी एन मिटेबल्स है ना फिर वाह वाह ये वागा बॉर्डर बनाया और इतना खूबसूरत है यार यार सॉन्ग की बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये सॉन्ग डाला यार लश्कर महादेवन आये आये दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे कितना जोर लगा लो नाइस यार ट्रिमेंडस ये बात हमने लिखा भाई स्ट्रीट डांसर 3D वाले कहीं मौका नहीं छोड़ रहे प्रमोट करने का उन्होंने हर जगह प्रमोट कर दिया उन्होंने पबजी से लेकर जैक्सन बाबा जो कि अभी अभी वायरल हुई इनकी वीडियो डांस करते हैं उनसे लेकर और ये भागा और हमने कितने सारे रिएक्शन दिए हैं स्पेस स्ट्रीट डांसर 3D का जो भी आया है ना अब तक बॉर्डर पे पहुंच के तो इन्होंने ये सोचे कि दोनों तरफ की आ रही है ये गाना अच्छा ही मैं बताऊं कि रीमेक ऐसे किया है इसमें जो है ना थोड़ी सी वेरिएशंस कर दी है एडिट में यानी जब ये मिक्स किया है इसको तो बाकी यार ये सॉन्ग मुझे इतना मजा आया गाना पहले वाले ये बस थोड़ा सा इसमें कुछ थोड़ा बहुत एडिट शेडिट मिक्स करते हैं ना मिक्स अच्छा इसमें श्रद्धा कपूर भी लिखा हुआ है लेकिन श्रद्धा कपूर तो इसलिए एज ए कास्ट लिखा हुआ है ना कि स्ट्रीट डांसर 3D की कास्ट में है तो इसमें लेकिन यार वी अनबीटेबल्स को इसमें देख के मैं इसलिए भी शॉक हुआ कि और वी अनबीटेबल्स फिर मैं समझा जब उनका देखा ना कि एक टेक में कैसे हुआ होगा क्योंकि यार इस पे हमने एक वीडियो की थी वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी लिख दी का बी एन बी टेबल्स ब्रोज अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की वो वीडियो थी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है और उसमें भी एक टेक में उन्होंने सारा किया हुआ था तो वो करते ही एक टेक में गूज़बम्स आ गए इसलिए काजल से बोला कि इन वन टेक उसमें पहले ही लिख दिया था और बहुत बड़ी बात है कि वाघा बॉर्डर पे और इतने क्राउड के अंदर आप एक टेक में सही बात कर लो तो बहुत बड़ी बात है और इसमें बड़ी बात क्या यार वन टेक में तो और भी कर दूंगा ये फीलिंग
एक स्टेप का नहीं वाओ फीलिंग बहुत अच्छी आ रही होगी वाघा बॉर्डर पे शूट हुआ है तो एक अलग से जो जज्बा होता है वाघा बॉर्डर पे हम पहले कभी गए नहीं है वाघा बॉर्डर लेकिन जाएंगे जरूर और देखना चाहते हैं हम भी फीलिंग वहाँ पे लेना चाहते हैं जाके कि भाई होता क्या होता क्या और ये गाना मुझे इतना पसंद है शंकर महादेवन सर तो मुझे दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट है और ये है कि ये गाना मुझे बहुत मजा आया सबसे अच्छा 3D स्ट्रीट डांस 3D का सबसे अच्छा प्रमोशन ना मुझे ये लगा क्योंकि मजा आ गया इसमें भी क्योंकि देखिए इसकी जो कॉम्पोजिशन जो हुई भी है ना इस गाने की और शंकर महादेवन सर ने गाया है तो गूज बम्स और ये तो आई थिंक मोटिवेशनल सॉन्ग की तरह है ये थोड़ा ना एक जोश जज्बा इस तरह आ जाता है तो भाई हाँ हम लोगों ने बोला कि शंकर मुझे खासतौर पे शंकर महादेवन जब से पसंद है जब से उन्होंने ब्रेथलेस गाया था और जो कि फराज को और मुकम्मल खूबसूरत का ने शुरू में बताया कि यार ये वाला सॉन्ग जिन्होंने गाया था ये वो है। अच्छा अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो एक छोटी सी प्रमोशन मैं कर लूँ मुझे इस गाने से याद आया कि मेरा जो चैनल है कासिम नैयर उधर वहाँ जाना है आपने सब्सक्राइब करना है 2 बजे दिन में मैं वहाँ पे एक कवर सॉन्ग मेरा आ रहा है जो मैंने मैशअप 2020 बनाया है और शहनाज गिल एंड सिद्धार्थ शुक्ला उन दोनों को मैंने जो कि बिग बॉस के अभी कंटेस्टेंट हैं उनको मैंने डेडिकेट किया तो वो वीडियो जाके मेरी जरूर देखनी लाइक भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नीचे कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपको कैसा लगा वो मैशअप और साथ में कहना चाहूँगा कि भाई आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ब्रोज रिएक्शंस का और अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए facebook.com/ब्रोज रिएक्शन पे जाएं वहाँ पेज लाइक करें वहाँ पे वीडियो सजेस्ट करें साथ में इंस्टाग्राम पे आएंगे इंस्टाग्राम पे आके आपने करना है हमें फॉलो मेरा इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं कासिम नहीं है मेरा ऑनर्स भी मेरा है मुकम्मल एड्रेस और हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे वहाँ जाइए वहाँ पे कीजिए हमें फॉलो और वहाँ पे अपनी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं साथ में हमसे कर सकते हैं ढेर सारी बातें So you guys are watching Bros Reactions. My name is Kazim, his name is Honors V and his name is Mukamal Khubsurat. Go and bye!